हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम रात को इंदौर पहुंच गए थे, बट रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो हम लोग जाके बस चेंज वेंज करके सो गए थे। और ये है अगले दिन का वीडियो। और हम लोग आए हुए हैं आज राजवाड़ा मार्केट फिर से शारवी के लिए थोड़े बहुत कपड़े सामान खरीदने के लिए, और अन्नू को भी थोड़ा सामान खरीदा था अपने को। और फिर रात शाम को हम लोगों को निकलना है भोपाल के लिए, और भोपाल से हमारी गाड़ी है, मतलब ट्रेन है हमारी चेन्नई के लिए, और हम लोगों को जाना है किसी बहुत ज़रूरी काम से चेन्नई के लिए। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने शारवी के लिए क्या ख़रीदा है, मतलब शॉपिंग कर ली है। और यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो हम लोग रोड साइड में खड़े होकर के चाय पी रहे थे, कुल्हड़ वाली चाय। और बरसात के मौसम में तो वैसे भी चाय बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पे क्या है, मार्केट में गाड़ियों की वजह से और बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, इसलिए हम क्या बातें कर रहे हैं कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही थी कि शारवी थक गई इतनी ज़्यादा और वो सो गई है, और इतनी बारिश हो रही थी कि हमने बारिश में भी फिर भी शॉपिंग कर ली। बस हमें ये हुआ कि हमें एक छाता ख़रीदना पड़ा ताकि शारवी गीली ना हो जाए, और बस। और हमारी शॉपिंग तो हो ही गई, इतनी बारिश में भी हमने शॉपिंग कर ली। मैं आप लोगों को यहाँ पर हंस के बता रही थी। ये ऐसे ऐसे करेगी ना तो उसके अंदर जाएगा। गिर देवो, कैचे लगती है ना ऐसे खिलौने से, कैचे लगा देवो को। ये जो सारे है ना गोले गोले, ये इस डंडी के अंदर डालना है। देवो देवो, अच्छा लगा? कैसा लगा, कैसा लगा मुझे बताओ। अच्छा अच्छा, पानी दे दो फिर, एक पानी वो तुलसी दे दो मुत्तम। ये इसके लिए तो किया है मैंने। दे दे बेटू। ओए ए आते को मिला। नहीं नहीं बहुत प्यार करती है देवो, बेबी मेरा है। हाँ, अरे रोने लग गई थी वाली लेडी। नहीं मम्मी मेरा है, मम्मी और देखो दोनों मेरे, और ये बेबी ये बेबी अच्छी है शारवी। ओए 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 ओए, किसने किसको दी? इसने को अच्छा बोल दिया। नहीं अरे अरे ना 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 ना, ओए बस बस, एक और पारी दे दो, पारी दे दो। अरे बाबा, अरे बाबा, चाय चाय लो शारवी, शारवी 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 दीजिए, शारवी लो पारी कर दो, फुफा जी को पारी कर दो, पारी कर दो, पारी 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 कर दो। नहीं दिया ना, एक भी नहीं दिया ना अभी तक। दो सोच रही है। दे दो, दे दो पारी पारी दे दो। उसके लिए उठना पड़ेगा। पानी की बोतल गोली ठंडा पेपर में दे दे ना। पानी की बोतल ठंडा, पानी की बोतल। तो फाइनली हम लोग भोपाल पहुंच गए, और ये है भोपाल का रेलवे स्टेशन। यहाँ से हमारी गाड़ी है रात के 2 बजे चेन्नई के लिए, और अभी हमारे पास पूरे 2 घंटे है। तो 2 घंटा हम क्या करते, फिर हमने वेटिंग एरिया में जा कर के वेट किया, और बच्चों को थोड़ा चेंज वेंज करा के उन्हें फ़्रेश किया, और ख़ुद भी फ्रेश हो गए। और फ्रेश होने के बाद हमने वहाँ पर चाय नाश्ता करा, और जो भी घर से खाना लाए थे वो खाए। एंड ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। यहाँ पे हमने क्या किया, ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया था ऑनलाइन साउथ इंडियन खाना,
तो ये आ गया। तो अभी कुछ 10-10:30 बज रहे थे जब हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। और फिर हम लोग को, क्योंकि यहाँ से हमारी जर्नी है पूरे 1.5 दिन की, और हमको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उतरना था चेन्नई, और अभी तो पूरा दिन बाकी है हमारे पास। एंड फाइनली हमारा यहाँ से लंबा सा सफ़र चालू हो गया। मैं लाइफ में पहली बार इतना लंबा सफ़र कर रही हूँ, मतलब पहली दफ़ा मैं चेन्नई जा रही हूँ। तो क्या, मुझे तो लगा था कि मैं काफ़ी बोर हो जाऊँगी, इतना लंबा सफ़र है। लेकिन क्या, सबसे बातचीत करते करते, शार्वी को और देवो को देख के संभालते संभालते, कब हमारा सफ़र इतना इजी हो गया और हमने इस सफ़र को इतना इन्जॉय किया, पता ही नहीं चला हमारा कब सुबह से लेके शाम हो गई है, पता बिल्कुल भी नहीं पता चला, क्योंकि बोरियत बिल्कुल भी नहीं लगी। सबसे उससे बातचीत करते करते हम लोग मस्ती करते करते गए। एंड अभी हम लोग को यहाँ से चेन्नई जाना है, और चेन्नई से हमें तिरुपति के लिए बस लेनी है, जो तिरुपति हमें 4 घंटे या 5 घंटे में कम से कम पहुँचाएगी। I'm in the island on a Wednesday, laid back, coolin', kicking feet up like a sensei. सो फाइनली हम लोग चेन्नई पहुंच गए, और हमारी गाड़ी थी बहुत ज़्यादा लेट। हमें पहुंचना था सुबह के 5 बजे चेन्नई, पर हमारी गाड़ी पहुंची सुबह 7 बजे, पूरे 2 घंटे लेट थी। और यहाँ से 1-1.5 घंटे बाद ही हमारी तिरुपति के लिए बस थी, तो हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था, इसीलिए सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पर रेलवे स्टेशन में बैठ के ही चाय वगैरह पी लिया, और शार्वी को सुबह सुबह दूध वगैरह दे दिया, क्योंकि फिर बस में शायद मैं उसे नहीं पिला पाती, क्योंकि बस तो काफ़ी हिलती हिलती जाती है, सो इसलिए मैंने उसे अभी ही पिला दिया था। और ये है चेन्नई का रेलवे स्टेशन, और ये रेलवे स्टेशन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मैंने सोचा नहीं था इतना बड़ा होगा। एंड फाइनली हम लोग बस में बैठ गए हैं, हम लोग जल्दी जल्दी से आए थे, और यहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत धूप हो रही थी। अभी सुबह के करीब 9 बज रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पे कितनी धूप आ रही है, बहुत धूप थी। एंड फिर हमारा यहाँ से तिरुपति के लिए सफ़र स्टार्ट हो गया है। अभी हमें यहाँ से 4-5 घंटे लगे तिरुपति पहुँचने के लिए। एंड अगर आप लोगों को मेरा ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो, ट्रैवल ब्लॉग, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।